नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण, अध्यापकगण, सभी कर्मचारी और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय, सिविल इंजीनियरिंग का छात्र और इस कार्यक्रम का संचालक, आप सभी का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चेयर के उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सभी विशिष्ट अतिथिगण श्री फिरोज भक्त अहमद, कुलाधिपति मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद, प्रोफेसर अख्तरुल वसी, प्रेसिडेंट मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर, सुश्री सैयदा सैयदीन हमीद, सामाजिक और महिलाओं के अधिकारी कार्यकर्ता, और श्रीमती हमीदा बानू चोपड़ा, सम्मानीय अतिथि से अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं साथ ही प्रोफेसर जैन और प्रोफेसर अमित प्रशांत जी से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे सभी विशेष अतिथिगण के साथ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। हम बहुत गर्वित और सम्मानित अनुभव करते हैं कि मंच पर बैठे इतने अनुभवी, सम्मानीय और गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं। अब मैं IIT गांधीनगर के दो छात्र कुलदीप और दर्शिता को अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएं और हमारे विशिष्ट अतिथियों को भेंट देकर सम्मान करें। सम्मानीय अतिथि श्रीमती हमीदा बानू चोपड़ा, श्रीमान फिरोज भक्त अहमद, कुलाधिपति मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद, प्रोफेसर अख्तरुल वसी, प्रेसिडेंट मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर, सुश्री सैयदा सैयदीन हमीद, सामाजिक और महिलाओं के अधिकारी कार्यकर्ता। अब मैं प्रोफेसर जैन से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे सम्मानीय अतिथि श्रीमती हमीदा बानू चोपड़ा जी को शॉल भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जैन। अब मैं प्रोफेसर अमित प्रशांत, जो IIT गांधीनगर के अनुसंधान और विकास विभाग के डीन हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चेयर और IIT गांधीनगर में उर्दू शिक्षा पर प्रकाश डालें। थैंक यू। मेरी उर्दू और हिंदी थोड़ा सा लोचा है, तो माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ गड़बड़ हो जाए। तो आई थिंक ये कहानी काफ़ी दिनों से चल रही है, 7 साल हो गए, और कोई भी चीज़ बनती है तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। आई थिंक हमीदा जी ने शुरुआत की थी 6-7 साल पहले, एंड उनका जो पैशन है उसको लेकर के बच्चों के साथ बांटना उन्होंने शुरू किया। और एक टीचर वो होता है जो बच्चों से कनेक्ट कर पाए और जो चीज़ उनको सीखनी चाहिए वो सीखा पाए और उसको पता भी ना चले। ये चीज़ अगर देखनी है तो इनकी क्लास में जाके देखिए, सीधी सीधी। तो बहुत सारे बच्चों ने आपका कोर्स लिया होगा और हर जब भी वो आते थे, हर बार हमारा यही डिस्कशन होता था कि हमीदा जी कहेंगे कि अमित भाई अब आगे कैसे चलेगा, हर बार यही डिस्कशन होता था। तो हम लोग सोचते थे जब तक दिमाग में आता है कि कैसे चलेगा तब तक अभी जैसे चल रहा है चलाते हैं। तो काफ़ी अच्छा चला, फिर धीरे धीरे कुछ रास्ते ढूंढते गए, मिलते गए रास्ते, तो ऐसे ही चलता रहा। बट इसमें जो मेहनत है हमीदा जी की, वो सबको शायद नहीं पता होगी कि इसके पीछे आप ये सोचिए एक तरह से कि एक कंफर्टेबल लाइफ, आप एक बड़े से घर में जहाँ पे आप सेट हैं वहाँ पे आप रह रहे हैं, और फिर आप एक ऐसी जगह जाते हैं जो आपके हेल्थ के हिसाब से भी अनुकूल नहीं है। और आई थिंक कम से कम 2 बार तो आप हॉस्पिटल पहुँच गए इस चक्कर में, फिर भी हिम्मत नहीं तोड़ी कभी, ये देखने लायक बात थी।
क्लासेस जैसे चलनी थी वैसे चली, हर बार कभी कोई चेंज नहीं आया। उनकी जो भी हेल्थ इश्यूज थे उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला हर बार, और रास्ते ढूंढ के उसको सपोर्ट किया जैसे भी। जो हमारे दोस्त लोग आज बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने भी साथ दिया वो पूरे रास्ते में। एंड सभी का ये इंस्टीट्यूट काफ़ी, क्या कहते हैं, शुक्रगुजार है, राइट, शुक्रगुजार है। तो ये मेहनत जो चल रही थी और जो रास्ते बीच में आए, उसमें एहसान भाई ने भी ज्वाइन किया बीच में। सिर्फ पढ़ाई नहीं रहे थे, उसके साथ साथ आप लोग किताब भी लिख रहे थे, वो किताब भी कंप्लीट हो गई है एंड अभी कुछ समय में ही रिलीज़ भी होगी शायद। अब इसके ऊपर बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, इनोवेशन फैक्ट्री जो हमारे हैं डायरेक्टर साहब, ये पहुंच गए हमीदा जी के और चोपड़ा साहब के घर पे। तो इन्होंने एक रास्ता निकाल लिया कि इसको सस्टेनेबल मॉडल बनाने के लिए एक चेयर क्रिएट करते हैं जिससे कि ये चलता रहे, और आज हम यहाँ खड़े हैं। तो ये जो रास्ते धीरे धीरे बने, आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अब ये चलता रहेगा, अब कोई मतलब गड़बड़ नहीं हो सकती, ये चीज़ है। और नाम भी क्या चुना हमने, आज़ाद साहब का, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, IITs बनाने का क्रेडिट उनको जाता है, जो फ्री एजुकेशन, उनका जो कहना था कि भाई एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सबका पढ़ना ज़रूरी है, और लोगों ने भी कहा होगा लेकिन उन्होंने ज़रूर कहा था ये। तो उसके लिए उन्होंने पूरा बेस बनाया, 10 साल की मेहनत है पूरी उसमें उनकी। उसके पहले जो उन्होंने कर्तव्य दिखाए वो तो अलग है, मतलब कितने लीडरशिप दी, कितने आंदोलन किए, कितनी बार जेल गए वो, और जो नेशनल कांग्रेस थी हमारी उसके भी प्रेसिडेंट रहे वो। जब हमारा देश में बहुत ज़्यादा टर्मोइल था, बहुत ज़्यादा विघटन होने की कगार पे पहुँच गए हम, उस समय उसको बल देने का काम भी उन्होंने किया। और ये सब करने के लिए बहुत बड़ी सोच चाहिए कि आपको ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो एक एक बच्चा जो इस देश में आएगा उसको मिनिमम एजुकेशन के लिए कभी सोचना ना पड़े। वो अलग बात है कि 70 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, कितना आगे गए कितना पीछे गए मुझे नहीं पता, वो सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है, लेकिन जो सोच थी, जो चीज़ उन्होंने बनाई, उसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि उसके साथ उन्होंने ये भी सोचा कि भाई हमें ऐसा सिस्टम भी बनाना है जहाँ पे एक्सेलेंस आ सके, तो IITs का भी जन्म हुआ उसी के साथ में। अब जो आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम बहुत ही उसके मुताबिक है कि आज़ाद साहब के नाम पे हम ये शुरू कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिसके पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा है, मैंने छोटे में बताया है, लेकिन आज हम सुनेंगे आज़ाद साहब के बारे में, और जो हमारा जो भी परिश्रम रहा है इसके पीछे, उसके आगे क्या विज़न है और कहाँ जाएगा उसके बारे में। सो थैंक यू अगेन फॉर ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप यू एंजॉय द इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अमित प्रशांत। श्री फिरोज बख्त अहमद मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलाधिपति हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और खेल प्रेमी श्री अहमद ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, पोलैंड में शिक्षा और प्रशासन के कई सम्मेलनों में भारत की यात्रा की और उनका प्रतिनिधित्व किया। उन्हें पिछड़े अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उत्कृष्टता के 5 संस्थानों और 100 स्कूलों की स्थापना के लिए उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो इतने समृद्ध अनुभव के साथ मैं श्री फिरोज बख्त अहमद जी से अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आएँ और उर्दू शिक्षा का प्रकाश डालते हुए हमें संबोधित करें।
आईआईटी गांधीनगर के जो हमारे डायरेक्टर हैं वेरी ऑनर्ड प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन साहब, प्रोफेसर हमीदा बानो चोपड़ा साहिबा, प्रोफेसर अमित प्रशांत साहब, प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब दिल्ली से आए मेरे दोस्त, प्रोफेसर अनिल चोपड़ा जो यूएसए से आए हैं, सईदा सैयदैन साहिबा। इसके अलावा यहाँ पर बैठे जितने भी असातेज़ा कराम हैं जो शिक्षाविद साहिबान हैं, साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर हमारी मुख्तलिफ़ फैकल्टीज से आए हुए बच्चे हैं बच्चियाँ हैं। अलावा इसके अगर यहाँ पर कोई मीडिया से भी आया हुआ मीडिया कर्मी है तो शुरुआत मैं करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि ज्ञान विज्ञान और ध्यान की जो कर्मस्थली है ये, जहाँ से मैं आज पहली मर्तबा इस नगरी में आकर बोल रहा हूँ यानी आईआईटी, इसके अलावा इल्म दानिश की नगरी भी है ये गांधीनगर, और साथ ही साथ स्वच्छ प्रशासन का जो प्रांत है सूबा है गुजरात, और यहाँ पे आए हुए सब लोगों को चाहे वो किसी भी फील्ड से हों उन सबको हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर का सलाम। मेरे ताल्लुक से जो कुछ बताया गया मैं डिज़र्व नहीं करता, आई विल ट्राई टू बी वेरी सिंपल एंड हम्बल, कोशिश ये करूँगा आपसे जो भी बात की जाए थोड़ा नॉन फॉर्मल हो, आई वुड ट्राई टू मेक इट अ वेरी लाइटर ओकेजन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि ये आज मैं इस मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, बड़ा गर्व है मुझे इस बात के ऊपर कि आप लोगों के सामने आकर मुझे दो बातें कहने का मौका मिला है। यू विल एक्सक्यूज़ माई सोर थ्रोट, अगर मेरी आवाज़ पीछे नहीं पहुँच रही हो तो मुझे बता दें। इसकी जो वजह है प्रोफेसर हमीदा बानो चोपड़ा साहिबा हैं। हुआ ये कि पिछले साल जब मैं दस्तखान पर बैठा था तो रात का वक्त था, इनका फ़ोन आया और इन्होंने मुझसे कहा कि आपसे मुझे एक मदद चाहिए। तो मैंने कहा फरमाइए। इन्होंने कहा मैं यहाँ आईआईटी गांधीनगर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम में एक चेयर कायम करना चाहती हूँ, स्थापित करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू इस्टेब्लिश अ चेयर इन हिज़ नेम। तो मुझे आप थोड़ी ये मदद कीजिए कि मौलाना आज़ाद ने हु एक्चुअली गेव द ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन एजुकेशन, जहाँ से हम और आप पढ़कर निकले हैं और हमारे बच्चे पढ़कर जो बैठे हैं निकल रहे हैं, उन्होंने कभी ये लिखा था कि हिंदुस्तान में आईआईटी वगैरह जैसे जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं ऑफ साइंस, इनको बढ़ावा दिया जाए, इनको प्रमोट किया जाए। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, इन्होंने जहाँ पढ़ा मैंने भी कहीं पढ़ा था। मुझे ध्यान आता है कि मौलाना आज़ाद का एक लेटर, जब मैं ICCR में मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो वहाँ पे एक उनकी फ़ाइल थी लेटर्स की, वो जो लेटर्स आप भी जानती होंगी सईदा आपा बैठी हैं यहाँ पे, कि उसमें एक लेटर ये भी था जिसमें उन्होंने पंडित नेहरू को लिखा था, पंडित नेहरू को लिखते थे माय डियर जवाहरलाल, उर्दू में ख़त लिखा करते थे, उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि कुछ साइंस के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएँ। तो दोनों ने मिल के ये IIT का नक्शा बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया, और बहुत से IIT खोले गए, खड़गपुर, फिर आपका गांधीनगर, दिल्ली, तो ये उसी का एक हिस्सा है। तो मैंने बड़ी खोज की उन कागजात की, मौलाना आज़ाद की जो बहुत सी किताबें हैं फाइलें हैं गोशा आज़ाद जो उनकी लाइब्रेरी है वहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो मुझे इस कागज़ की ज़रूरत थी, मैं इनको भेजना चाहता था हमीदा साहिबा को, तो मैं वहाँ गया तो पता चला कि वहाँ से काफ़ी सामान शायद अम्बेडकर भवन शिफ्ट किया जा चुका है। तो वहाँ जाके मैंने कोशिश की फ़ाइल निकालने की, विनय सहस्रबुद्धे जो वहाँ के डायरेक्टर हैं उनका आप वहाँ देख लीजिए, गालिबन मुझे कागज़ नहीं मिला। तो आई अपोलोजाइज टू हर और मैंने इनसे कहा कि यू गो अहेड, ये बात सच्ची है, अगर आप चाहें तो, मैंने शायद इनको कुछ लिख के मेल भी किया था। इस तरह से ये इसकी शुरुआत हुई। मुझसे जो बोलने के लिए कहा गया है वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर घंटों भी बोला जाए तो कम रहेगा, लेकिन मैं समेटना चाहूँगा इसको बहुत थोड़े वक्त में। इन्होंने मुझसे कहा है कि आप मौलाना आज़ाद का जो कंट्रीब्यूशन है उर्दू के लिए, उर्दू लिटरेचर के लिए, उस पर बोलिए।
देखिए, मौलाना आज़ाद का जहाँ तक ताल्लुक है, उनका तो कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि हम सोच नहीं सकते कहाँ से कहाँ तक। बड़ी लंबी फहरिस्त है, सूची है उनके, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हिंदुस्तान के लिए। वो आज़ादी के बहुत बड़े एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ही वॉज़ अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा उन्होंने जो है जिम्मेदारी संभाली थी। वो वही ब्लू प्रिंट लेके हम आज चल रहे हैं, और जो हमारे वज़ीर आज़म बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की, खुदा से मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ही हो, ऐसा ही चलता रहे। और ये जो ब्लू प्रिंट है मौलाना आज़ाद का ही दिया हुआ है। जिस वक्त उन्होंने मुझे यहाँ मानू के अंदर इन मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कहा कि आप चांसलर बने, तो मैंने उनको मना किया। मैंने कहा मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप वहाँ जाइए, कुछ काम करिए। बार सूरत, मौलाना आज़ाद वॉज अ वर्सेटाइल कैरेक्टर। मौलाना आज़ाद के कैरेक्टर को देख के सुधीर जी, मुझे एक ही कैरेक्टर हिंदुस्तान का याद आता है, और वो हैं हमारे बंगाला के, वेस्ट बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी इतने वर्सेटाइल वो कैरेक्टर थे। ही वॉज अ पेंटर, ही वॉज एन आर्टिस्ट, ही वॉज अ सिंगर, ही वॉज अ प्लेयर, ही वॉज एन एक्टर, ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही वॉज अ नॉवलिस्ट। यानी कोई भी खसूसियत आप बयान करिए, वो टैगोर के अंदर थी। वही चीज़ जो है मैंने मौलाना आज़ाद में भी देखी। फील्ड थोड़ा सा अलग था मौलाना आज़ाद का। वो अगर चाहते तो बहुत बड़े एक ये समझिए कि पीर फ़कीर भी बन सकते थे, क्योंकि उनके जो वालिद थे वो काफ़ी लोग सारी दुनिया से उनके पास आते थे, लेकिन मौलाना आज़ाद ने उस सिलसिले को जो है खैरबाद कहा। उन्होंने कहा नहीं, मैं पीरी फ़कीरी के सिलसिले में नहीं चलना चाहता, गांधी जी को, पटेल जी को, नेहरू को मेरी ज़रूरत है, और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मैं जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। देखिए आप 2 मिनट्स रिमेनिंग, कोशिश करता हूँ कि मैं तो बहुत कुछ कहने को आया था, इतना आपने खर्चा किया, मुझे दिल्ली से बुलाया, ये बच्चे हैं आगे आने वाले, पंडित नेहरू, जवाहरलाल, मोदी, वाजपेयी बनने वाले हैं, तो कुछ तो मुझे कहने की इजाज़त दी जाए। बस सूरत मैं कोशिश करूँगा। तो मौलाना आज़ाद का तो ये सिलसिला था, और उर्दू के लिए देखिए बहुत कुछ कहा जाता है। ही वॉज़ द ग्रेटेस्ट फिक्शन राइटर। फिक्शन तो नहीं कहना, उर्दू में इसको कहते हैं इंशा परदास। इंशा परदाजी क्या होती है? फिक्शन राइटिंग तो नहीं होती, इंशा परदाजी का मतलब ये होता है ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स, ऐसे जुमले क्रिएट करना। जुमले को आप पॉलिटिकल सेंस बना लीजिए यहाँ पे, जो एक्चुअल जुमला होता है, सेंटेंस होता है, कि वो कोई दूसरा क्रिएट नहीं कर सकता। और मैं उसका एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। वो ऐसा जुमला होता है कि हर आदमी जब उसको पढ़ता है तो उसे ये लगता है कि ये मेरे दिल की बात है, मेरे दिल की आवाज़ है। मैं एक छोटा सा जुमला जो मौलाना ने लिखा था अल हिलाल में अपने रिसाले, उनका जो रिसाला निकलता था, ये उन्होंने औरत के ताल्लुक़ से लिखा था, महिला के ताल्लुक़ से, अबाउट अ वुमन, हाउ स्ट्रॉन्ग अ वुमन इज़। इसका अंदाज़ा हम सबको होगा, और मुझे भी है, क्योंकि अपनी बीवी से मैं आज तक 25 साल शादीशुदा लाइफ में जीत नहीं पाया। देखिए वो लिखते हैं उर्दू में, है बहुत बहुत खालिस उर्दू है ये, सुनिए इसको। औरत के दिल का फैसला एक अजीम शान ताकत है, जिसको समंदर की कहार मौजें, यानी पावरफुल वेव्स, कहार मौजें, पहाड़ों की अरीज़ और तवील चट्टाने, ज़मीन के खार शिगाफ जलजले, जलजले जो सभी ज़मीनों को तोड़ देते हैं, और बादशाहों व फौजों के हमले भी नहीं तोड़ सकते। दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन, जो मौलाना आज़ाद ने अपने अल हिलाल में लिखा है। तो ये इसको बोलते हैं इंशा परदाजी। ये इस टाइप का जो उनका एक्सप्रेशन था, वो किसी लोग कहते हैं कि गालिब की जो पोजीशन उर्दू पोइट्री में थी लिखने के अंदर, वही मौलाना आज़ाद की पोजीशन थी। एक और मैं जो यहाँ पे हमारे एक्टिविस्ट भाई हैं, जो एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं, या जो या जैसे हमारी बहन बैठी हैं मिसेस सईदा हमीद, उन्होंने भी जो है मुस्लिम औरतों के सिलसिले से काफ़ी काम किया है। वॉइस ऑफ द वॉइसलेस करके एक प्रोजेक्ट भी उन्होंने चलाया था। तो जो लोग एक्टिविज्म का काम करते हैं, एक ये भी उनका जुमला सुन लीजिए, नॉट टू बी टेकन इन पॉलिटिकल सेंस, खिदमत इंसानी का कोई काम आजमाइश से खाली नहीं होता। ये आपको मैं पेश कर रहा हूँ आपको हमीदा आपा। खिदमत इंसानी का कोई काम आजमाइश से खाली नहीं होता, और मुझे यकीन है
कि जिस तरह दुनिया में हर शय के लिए, हर चीज़ के लिए खुदा का एक निज़ाम व कानून है, बिल्कुल उसी तरह से इब्तला व इम्तहान भी है। नहीं, अगर आप एक्टिविस्ट बनेंगे, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो या औरतों की खिदमत के फील्ड में हो या मदारिस के सिलसिले में हो, जहाँ भी अगर आप एक्टिविस्ट बनेंगे, मान के चलिए कि आए दिन हर दिन आपको इम्तहान देना पड़ेगा और बहुत से ऐसी चीज़ें होंगी, आपके घर वाले आपको रोकेंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये उर्दू की उनकी खिदमत थी। इस तरह की बात ना तो, हालांकि बड़े बड़े इंशा परदाज रहे, रतन नाथ सरशार भी हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, नज़ीर अहमद हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। लेकिन जो एक्सप्रेशन, जो बात जिस तरह से दिल में उतर जाती थी मौलाना आज़ाद की, वो बात मैं समझता हूँ किसी की नहीं उतरी। अब मेरे ख्याल से एक मिनट हो गया है, आखिरी में बस ये कहना चाहूँगा कि मौलाना आज़ाद ने जो मैगज़ीन्स थे उनकी एडिटिंग की, नाम मैं बता देता हूँ, नारंगे आलम 1899 में, ही वॉज़ अ चाइल्ड प्रोडिजी, यानी इतना ज़बरदस्त उनका एक्सेलेंस था, यानी 10 साल की उम्र में वो हिंदुस्तान आ गए थे और 11-12 साल की उम्र में उन्होंने नारंगे आलम को एडिट किया। 1899 में उन्होंने मिसबाउल मशरिक को एडिट किया। हमीदा साहिबा, आपने अपने किताब में भी लिखा है। फिर 1899 में ही खदंगे नज़र को एडिट किया। ये सब जल्दी जल्दी बंद हो गया, पैसा तो बेचारों के पास था नहीं। फिर एहसन अल अखबार में एडिटर की मदद की, को एडिटर थे, सैयद अहमद उसके एडिटर हुआ करते थे। 1903 में लिसान उस्तिक निकाला, बहुत ज़बरदस्त उनका वो वीकली था। 1903 से 1906 में अल नदवा की उन्होंने एडिटिंग की, और इसके अलावा 1907 से 1908 में वकील और दारुल सल्तनत की एडिटिंग की, और साथ में उन्होंने फिर अल हिलाल अल बलाग नाम सुना है। और मौलाना आज़ाद का जो तर्जुमानुल कुरान है उसके बारे में पता होगा, सज्जाद ज़हीर ने ये बात कही थी और शायद इसको दोहराया था ग़ुलाम सैदैन ने भी, उनकी साहबजादियाँ हैं, उन्होंने कहा था अगर कुरान के लिए अगर कोई लिखने वाली इबारत ज़मीन से किसी की चाहिए होती, कुरान तो आसमानी किताब है, ये तो अरबिक में लिख के आई है, अगर उसको ज़मीन पर कोई लिखता तो मौलाना आज़ाद लिखते। तो ये उनका ग्रेटनेस था। और आखिर में टाइम काइंडली वाइंड अप, मैं वाइंड अप ही करना चाहूँगा, बस एक चीज़ मैं बोल करके कि मौलाना आज़ाद बड़े डाउन टू अर्थ आदमी थे। जब वो मिनिस्टर थे, इवन व्हेन ही वाज़ अ मिनिस्टर, आजकल के मिनिस्टर्स के जैसा उनका मैग्निफिसेंस इतना वो नहीं था, रॉयल्टी नहीं थी। अगर 6 लोग आते थे तो उनके किचन में 6 कप चाय की प्याली के एक जैसे नहीं थे, अलग अलग होते थे। ठीक है, एक मरतबा, आई एम जस्ट वाइंडिंग इट अप राहुल, एक मरतबा ऐसा हुआ कि जब जद्दोजहद आज़ादी हो रही थी, पंडित नेहरू और गांधी जी मौलाना के बौलीगंज सर्कुलर रोड के मकान में गए। मौलाना उस वक्त इत्तेफाक से तर्जुमानुल कुरान का कुछ उर्दू का तर्जुमा कर रहे थे, लिख रहे थे उसके बारे में। कंधे पर से उनका कुर्ता फटा हुआ था, तो पंडित जी ने देखा और उन्होंने मौलाना से कहा कि लगता है कुछ आप माली बहरान से दो चार हैं, नहीं आई मीन कुछ आप चाहते हैं कि कुछ मदद की जाए, माली मदद की जाए, यू शुड बी हेल्प मोनिटरीली। तो उस पर मौलाना आज़ाद मुस्कुराए, नाक बड़ी थी, बड़ा उनका रौब दाब था, नेहरू भी चुप हो गए। तो एक दफ़ा ऐसे ही उनके जो पीए थे, मौलाना आज़ाद को जामिया मिलिया इस्लामिया में एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए जाना था। उनकी जो शेरवानी थी उस पर एक पेवन लगा हुआ था आगे, तो उन्होंने उनके पीए ने उनसे कहा, कहने लगे कि भाई मौलाना साहब, ये शेरवानी पे आपके पेमेंट लगा है, आप इसको बदल लीजिए। तो मौलाना मुस्कुराए, कहने लगे अरे मियाँ, मेरी शेरवानी को कौन देखेगा, लोग तो मेरी तकरीर सुनेंगे, और आपको पता है किस तरह के 16 बयान मुकर्रर थे। मैंने अनिल साहब को मेल भी की थी और ये कहा था, मौलाना आज़ाद की जो आखिरी तकरीर थी जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, उसके 2-4 मिनट का आप खुलासा सुनवा दीजिए सब बच्चों को। और आखिर में आई हैव जस्ट वाउंड अप, एक छोटी सी, एक 3-4 लाइनें हैं, नज़म है मौलाना आज़ाद के ऊपर। ये मैं नज़म जो है इसकी 3-4 लाइनें पढ़ के फिर देन आई टेक माई सीट, ये बस 2 मिनट का काम है। हाँ, अबुल कलाम की तारीफ सख्त मुश्किल है। अबुल कलाम में हर हुस्न व साफ शामिल है, साफ मीन्स क्वालिटीज़। अबुल कलाम अलामत है हक पसंदी की,
राइट्स, अबुल कलाम जमानत है सरबुलंदी की, अबुल कलाम सलामत रवि को कहते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी, अबुल कलाम वतन दोस्ती को कहते हैं, अबुल कलाम है सेकुलरिज्म की बुनियाद, अबुल कलाम तासुब की कैद से है आज़ाद, यानी किसी से नफरत करना, अबुल कलाम में निहा है जोश तूफ़ानी, अबुल कलाम है एक नामे सानिए गांधी, यानी गांधी का दूसरा रुख कॉइन का वो अबुल कलाम है, अबुल कलाम के मानी गरीब का दमसाज, अबुल कलाम का मतलब है कौम की आवाज़, अबुल कलाम को हम जानते हैं उसके कलम से, अबुल कलाम नुमाया गुबारे खातिर से, अबुल कलाम ने उर्दू को हम नवा बख्शे, अबुल कलाम खुदा दोस्त था खुदा बख्शे, अबुल कलाम था शमा उर्दू अदब का, अबुल कलाम था उर्दू की जुल्फ का शाना, अबुल कलाम ने हिंदी को भी नवाज दिया, अबुल कलाम ने हर जमजमे को साज दिया। जमजमा कहते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो नृत्य कला अकादमी है, साहित्य अकादमी है, ये सारा, ये भी मौलाना आज़ाद वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक ऑल्सो, उन्होंने कभी म्यूज़िक के ऊपर कैद नहीं लगाई। और आखिर में बस ये कह के मैं दो लाइनें हैं, अबुल कलाम ही गांधी की क़ुव्वत बाजू, अबुल कलाम दिमाग वतन दिल नेहरू, अबुल कलाम है गुलजार खुल्द में आबाद, गुलजार खुल्द में नाउ ही इज़ बैरिड, अपनी उसमें है दर, अपनी कबर में है वो, अबुल कलाम है क़ैद व हयात से आज़ाद, अबुल कलाम की दुनिया जहाने नूर है आज, नाउ ही इज़ इन हेवन, अबुल कलाम हमारी पहुँच से है दूर। मैं जो कहना चाहता था वो मैं नहीं कह पाया चूँकि वक्त की क़ैद है, और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर जनाब सुधीर साहब से कि 22 फरवरी को 60वां यौम इस्तेसाल है मौलाना आज़ाद का, डेथ एनिवर्सरी है, इसी हॉल में अगर पूरा हॉल भर दें, बच्चों को बुला लें, कुछ लोगों को बुला लें, सईदा आपा हैं, आप भी अमेरिका से आई हुई हैं, हमीदा आपा, और कुछ लोगों को और बुलाइए और बच्चों को बताइए कि हमारे कर्णाधार कैसे लोग थे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, थैंक यू सो मच, और मैं राहुल से माफ़ी मांगता हूँ कि आई इन्फ्रिंज्ड, आगे कोशिश करूँगा अगर कभी मौका मिला यहाँ पे तो पाबंदी करने की। बहुत बहुत शुक्रिया, और आई आई टी गांधीनगर, मैं कहना चाहूँगा कि आई हैव विजिटेड सो मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना तो बेलियल इसके बराबरी करता है, ना किंग्स कॉलेज, ना हार्वर्ड, और ना ही कोई और यूनिवर्सिटी, इट इज़ सुपर्ब, इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर अख्तरुल वासी मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, वह इस्लामी अध्ययन के प्रोफेसर हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में पढ़ाया है उन्होंने। पूर्व में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के निदेशक के रूप में काम किया। वे उर्दू अकादमी दिल्ली के उपाध्यक्ष और उर्दू भाषा को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय परिषद के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य भी रहे। इसी के साथ ही फाउंडेशन ऑफ सार्क राइट्स एंड लिटरेचर और HIV एड्स पर इंडिया इंटरफेथ गठबंधन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे। 2013 में उन्हें उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसी के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर वासी। मोहतरम डॉक्टर सुधीर जैन साहब, डायरेक्टर IIT गांधीनगर, मोहतरम प्रोफेसर अमित प्रसाद साहब, प्रशांत जी डीन, मोहतरमा डॉक्टर सैयदा सैयदैन हमीद, जनाब फिरोज बख्त अहमद साहब, और आज के इस आयोजन और कार्यक्रम और प्रोग्राम की एक तरह से केंद्र बिंदु जो हैं वो मोहतरमा जो जिन्होंने चेयर कायम की है
हमीदा बानो चोपड़ा साहिबा, डॉक्टर अनिल चोपड़ा साहब, मेरे दोस्त सुहेल तिर्मिजी, असतेजाए कराम और इस दोष के आशापूर्व युवा मित्रों, मैं सबसे पहले डॉक्टर जैन को मुबारकबाद देता हूँ। ये आईआईटी के अंदर मौलाना आज़ाद की चेयर कायम हो ये समझ में आता था, इसलिए कि पहला आईआईटी उन्होंने ही खड़गपुर में बनवाया था, इसलिए उनको एक तरह से जिसे कहते हैं श्रद्धा सुमन पेश करना, अकीदत से याद करना, उनकी याद में एक चेयर का क़याम करना, ये समझ में आता है। उसके लिए डॉक्टर जैन साहब मुबारक के मुस्तहिक हैं, लेकिन वो उर्दू के पढ़ाने के लिए होगा। ये डॉक्टर जैन का वो इनोवेशन है जिसके लिए, और कंट्रीब्यूशन है जिसके लिए उन्हें कम से कम हम वो लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और जो उर्दू भाषी हैं वो कभी नहीं भुला पाएंगे। मैं मौलाना के बारे में कोई बात करूं, इससे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि उर्दू हो या हिंदी हो, दोनों भाषाओं के जनक अमीर खुसरो हैं, और अमीर खुसरो के द्वारा इन दोनों जबानों का जन्म निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह में हुआ। एक भाषा ने देवनागरी का रूप इख्तियार किया, एक ने पर्शियन स्क्रिप्ट का इख्तियार किया, एक को उर्दू कहा गया, दूसरे को हिंदी कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों की ग्रामर एक है। तो इस एतबार से ये जो पहल है एक दफ़े फिर इस बात को दर्शाती है कि हमें ये मान के चलना चाहिए कि भाषाओं का कोई धर्म नहीं होता है, हर धर्म को भाषाओं की ज़रूरत होती है। दूसरे एक बात जिसका और हमारी नई पीढ़ी को ख्याल रखना चाहिए वो ये कि भाषाएं संवाद के लिए होती हैं, विवाद के लिए नहीं होती। इन ये बातें मान के अगर आप चलें तो इस मुल्क में इत्तफाक से कुछ लोगों ने ये भ्रम और भ्रांति पैदा की कि उर्दू किसी धर्म विशेष के लोगों की ज़ुबान है, और इसके अंदर माफ़ कीजिएगा सिर्फ वही दोषी नहीं हैं जिन्होंने ये भ्रम और भ्रांति फैलाई, बल्कि वो भी हैं जिन्होंने इसे ओन कर लिया, यानी मुसलमानों ने। लेकिन मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया, उर्दू ज़बान जो है वो सबकी ज़ुबान है, और किसी शायर ने क्या अच्छी बात कही कि एक तरफ हाथ में शंकर की है गुलजार नसीम, दूसरे हाथ में चकबस्त की रामायण है, क्या गजब करते हो मुस्लिम की ज़ुबा कहते हो, अपनी सीता ही को बनवास दिए देते हो। तो हमें, मैं समझता हूँ आईआईटी गांधीनगर में हमने एक दफ़ा फिर अपनी खोई हुई सीता को उर्दू के रूप में न सिर्फ हासिल किया है बल्कि उसे स्थापित भी किया है, और इसका श्रेय जिन दो लोगों को जाता है, एक का नाम जो है वो डॉक्टर सुधीर जैन है और दूसरी का नाम जो है वो, जैसा कि हम और आप जानते हैं, हमीदा बानो चोपड़ा है। तो मैं इसके लिए इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। एक बात आपसे और कहता हूँ, वो ये वो भी दिलचस्प बात है, उर्दू इस मुल्क में हमारे आठवें शेड्यूल का हिस्सा है, लेकिन अगर उर्दू लिंगवा फ्रेनेका बनी हुई है, उसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें बॉलीवुड का आभार व्यक्त करना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और दिलचस्प एक विरोधाभास और भी है जिसे आपको बताना चाहता हूँ, अगर उर्दू के अंदर रीडर मिल रहा है, कारी मिल रहा है, पाठक मिल रहा है, तो वो मदरसों की देन है। मदरसे और फिल्म दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दोनों अपने अपने अंदाज से उर्दू की सेवा कर रहे हैं।
और बंबई की फिल्म इंडस्ट्री जो है उसकी खूबी ये है कि मैं अलीगढ़ वाला हूँ। अलीगढ़ का एक बहुत बड़ा कवि था, आप सब ने सुना होगा हिंदी का, गोपाल दास नीरज। अभी उनका देहांत हुआ है। नीरज जी हिंदी के बड़े कवि थे और हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उनकी पहली फिल्म थी नई उम्र की नई फसल। उन्होंने गीत लिखा, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। प्रेम पुजारी के लिए देवानंद की उन्होंने लिखा, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा तैयार वो प्यार है। उन्होंने राज कपूर के लिए मेरा नाम जोकर के लिए गीत लिखा, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। मालूम ये हुआ, मैंने ये बात इसलिए कही कि भाषा वो जिंदा रहती है जिसे लोग चाहते हैं, जिसे लोग समझते हैं, और हमें ऐसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उसको एक तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भाषा किस सरकार के दबाव से कभी अपनी जगह नहीं बनाती है। भाषा वो जिंदा रहती है जिसमें हम अपनी माओं से लोरियां सुनते हैं। इसलिए हमें अपनी, हमें इंटेलेक्चुअल टेम्परामेंट की जो भाषा बनाएं, अपने इमोशनल टेम्परामेंट के लिए अपनी मातृभाषा जो है, मादरी जुबान जो है, उससे अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। जबानों का रिश्ता मैदे से नहीं जोड़ना चाहिए, दिल से जोड़ना चाहिए, और सिर्फ जबान का नहीं, चार चीज़ों का रिश्ता दिल से हो, पेट से नहीं। एक माँ, एक मुल्क, एक मजहब और एक मादरी जबान। आखिरी बात, मौलाना आज़ाद को श्रद्धांजलि और खिराज अकीदत पेश करते हुए सिर्फ एक बात आपसे कहूँगा। उन्होंने कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में 1923 में दिल्ली में जो अपना अध्यक्षीय भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, और आज उस भाषण के हर हर जुमले को हमें अपनी ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था, अगर एक फरिश्ता आसमान की बुलंदियों से उतर कर आए और कुतुब मीनार की चोटी पर खड़े होकर कहे कि हिंदुस्तान को स्वराज अभी मिल सकता है, शर्त सिर्फ एक है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए, तो मैं स्वराज से दस्तबरदार हो जाऊंगा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से नहीं, क्योंकि स्वराज मिलने में देर हुई तो हिंदुस्तान का नुकसान होगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जाता रहा तो ये मानवता का नुकसान होगा और इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइए हम भी यही संकल्प करें और यही दृढ़ संकल्प जो है वो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वसीम। सुश्री सैयदा सैयदीन हमीद एक भारतीय सामाजिक और महिला अधिकारी कार्यकर्ता, शिक्षाविद, लेखक और भारतीय योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने स्वास्थ्य पर आयोग की संचालक समिति की अध्यक्षता की। सैयदा हमीद वुमेन्स इनिशिएटिव फॉर पीस इन साउथ एशिया की संस्थापक ट्रस्टी और संवाद और सुलह केंद्र की संस्थापक भी हैं। वे राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के रूप में भी कार्य किया और उन्हें उनके अमूल्य योगदान के लिए 2007 में पद्मश्री से नवाजा गया। तो इसी के साथ ही मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच आप मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सुश्री सैयदा सैयदीन हमीद। प्रोफेसर सुधीर जैन, प्रोफेसर प्रशांत, माय वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड कॉलीग प्रोफेसर अख्तरुल वासे, माय यंग सक्सेसर इन मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी फिरोज़ बख्त साहब, और इस पूरे, जैसे अख्तरुल वासे साहब ने कहा है, इस पूरे
आयोजन की रूह रवां हमीदा बानू चोपड़ा और अनिल चोपड़ा साहब, डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, मैं कभी आई नहीं यहाँ गांधीनगर, मगर पिछले दो महीने में दिस इज़ माय सेकंड विजिट टू गांधीनगर एंड आई मस्ट से आपके कल्चर, आपके स्वभाव, आपकी जो एक विजन है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय प्रोफेसर जैन. मुझे लगता है कि ये इनविटेशन जो मुझे दिया गया उसको अगर मैं देखूं तो मेरे लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी इसलिए थी क्योंकि मैंने मौलाना आज़ाद को देखा था जब मैं छोटी थी. अपने वालिद के साथ मैं जाती थी, मेरे वालिद उनके सेक्रेटरी एजुकेशन थे और मुझे ईद के वक्त बच्चों को जैसे ले जाते हैं उंगली पकड़ के, मैं मौलाना आज़ाद को, मेरे दिमाग में वो इमेज है. और मेरी जो किताब मौलाना आज़ाद की, मैंने कई किताबें लिखी हैं मौलाना आज़ाद की, जो लेटेस्ट किताब मैंने लिखी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है, मौलाना आज़ाद इस्लाम इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें जो एक तस्वीर है वो मेरे पेरेंट्स की और ईरानियन एम्बेसी का एक फंक्शन है, उसमें मेरे पेरेंट्स हैं और मौलाना आज़ाद हैं, मैं छोटी सी खड़ी हुई हूँ. मेरे लिए वो बहुत प्रेशियस एक मेमोरी है और उस वसीले से मुझे मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी में जो मैं इन्वॉल्व हुई, तो इस ओकेजन जो हमीदा बहन ने ये ओकेजन जो क्रिएट किया, अपनी ही किताबें हम लिख के और उसको भूल जाते हैं. अख्तरुल वासी साहब, आपने भी बेहद किताबें लिखी हैं, हम लिखते हैं और हम भूल जाते हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट. तो मुझे मौका मिला कि मैं अपनी ही किताबों पे वापस जाऊं और मैंने जब मौलाना आज़ाद की 1988 में उनकी सेंटेनरी मनाई गई, ही वॉज़ बॉर्न इन 1888 इन मक्का, जब उनकी 1988 में सेंटेनरी मनाई गई, उस वक्त मुझसे कहा गया कि मौलाना आज़ाद पे 4 वॉल्यूम्स निकालना है. एक उनके उन पे लेख जो लिखे हैं लोगों ने, जो कुछ कमीशन लेख, एक सिलेक्टेड राइटिंग्स और तीसरा उसमें उसका हिंदी अनुवाद और उसका उर्दू वर्शन. तो ये 4 वॉल्यूम्स मैंने निकाले. इट टुक अ लॉट. एक एडिटोरियल टीम थी, उसके चेयर थे शारदा प्रसाद जी, चेयर थे कपिला वात्सायन थी, मोहम्मद यूनुस थे, बड़े इलस्ट्रियस नाम थे. और आई वॉज सपोज टू ब्रिंग आउट दीज 4 वॉल्यूम्स. तो ये जब मैंने ये जो लिखा और मैंने उस एक ये वॉल्यूम को मैंने पता नहीं कब से नहीं देखा और इस दिस वॉज एन ओकेजन, अ मोमेंट कि जब मैंने अपनी ही राइटिंग्स रिविजिट की और मुझे लगा कि कितनी ज़रूरत है प्रोफेसर जैन ये यंगर जनरेशन यूथ को ये समझाने की कि वॉट वॉज मौलाना आज़ाद. मौलाना आज़ाद की जो एक पूरी पर्सनैलिटी थी, उनको कहा गया है कि ही हैड एन एनसाइक्लोपीडियक माइंड, हिज माइंड, उनका दिमाग जो था वो इंसाइक्लोपीडिया की तरह था. उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो, जवाहरलाल नेहरू ने कहा ही हैड अ ल्यूमिनस माइंड. उनको कंपेयर किया गया द ग्रेटेस्ट intellectual giants of the world and Maulana Azad, a perfect comparison. Unki angrezi aur french immaculate thi, magar unhone aaj tak apne jab tak apne file notings bhi unhone urdu mein ki, aur isliye ki jab tak wo perfectionist the, agar unko zara sa bhi shubha ho jata tha ki kisi cheez mein ज़रा सा भी बाल बराबर भी फ़र्क है, तो मौलाना आज़ाद उसके लिए, अख्तरुल वासी साहब यू नो दिस वेरी वेल, कलम नहीं उठाते थे. एक उनकी ये एरुडिशन, और एरुडिशन उनकी इतनी थी, तर्जुमानुल कुरान जो उन्होंने, जिसके बारे में हमीदा बहन ने भी उस पर बहुत काम किया है. तर्जुमानुल कुरान इज़ अ मैग्नम ओपस
across the globe, tarjumanul Quran, agar aaj hum Quran ke us interpretation ko jo Maulana Azad ne kiya, jisme pura nichod Quran ka hai, 7 lainon mein jo surah Fatiha hai, us pe unhone 267 pages unhone sirf surah Fatiha pe likhe aur kaha agar aap ye samajh jaye to universalism of Islam sare mazahib ko unhone discuss kiya, Hinduism, Jainism, Buddhism. His pen totally swept the whole landscape of religion. Ye baat samajhne wali hai. Aur wo insaan jiski conceptual clarity ye thi, Akhtarul Wasi sahab ne bahut acha quotation aapke samne pesh kiya. Main bhi wo quotation lai thi, magar mere khayal mein itni achhi tarah se unhone deliver kiya. Jab unhone ye kaha ki conceptual clarity ke Hindustan mein jis cheez ki zarurat hai wo hai Hindu Muslim unity. Aur agar jo farishta aasman ki badliyon se utar ke kahe ki tumhe swaraj chahiye ya Hindu Muslim unity, to main swaraj se I will abdicate swaraj and I'll opt for Hindu Muslim unity, because Hindu Muslim, if we lose Hindu Muslim unity, it will be a loss for mankind, humankind. I think this is a very, very important aspect. Jo aap students ko jab aap, when you jab ye chair ka pura aap flesh out karenge, and I'm so grateful to you for establishing. Jab mujhe pata chala ki aap Gandhinagar mein Urdu padha rahi hain, to I'll finish in 2 minutes. When I found out that aap Gandhinagar mein Urdu padha rahi hain, maine socha ki God, yani Gandhinagar mein Urdu kaun padh raha hai? Incredulous. Main Canada mein thi, aap San Francisco mein thi. Baharhal, anyway, I think ye jo aap jab isko flesh out karenge, to aap ye students ko ye baat samajh mein aayegi ki the man had total respect for all religions, regardless. Varna Quran ke tarjume mein Ved aur Puran aur Hinduism aur Jainism aur Buddhism ka kya kaam tha? Magar it's all there. Aur aise, these are the kind of intellectual giants. And he was towering above. Because ek to unka apna intellect, ab aap thodi si unki writings mein se kuch sunenge. His Urdu was, maine jab unki Urdu ka tarjume shuru kiye, to meri to raaton ki neend ud gayi. I could not find an equivalent. Aur log kehte hain mere tarjume bahut acche hain, magar main kehti hu mere tarjume bahut mediocre hain. I could not reach to his heights. So I think we have to derive inse jo lesson hum le sakte hain. Students ko to aap padhayenge, magar my suggestion would be, jaise Firoz Bakht sahab ne kaha hai ki using the 26th of February as so many occasions, unka 11th of November, 22nd of February, his birth and death anniversary, usko leke and create an awareness. Because these were modern minds which were predicated on religion, but religion did not exclude the fact that they were modern minds. And Nehru itna lean karte the wo Maulana Azad pe ki main aapko bata nahi sakti, kyunki maine unke khat bhi padhe, Nehru ke khat bhi padhe hain, unke original letters bhi padhe hain, apne walid ki tehreere bhi padhi hain, main sab kuch likh ke layi thi, magar I have a very strict bandmaster here jo and I think it's a very good thing. Discipline is extremely important, kyunki baat jo hai choti baat kehni chahiye jo dil ko lage, kyunki dil se jo baat nikalti hai asar rakhti hai. Aur mujhe ummeed hai कि ये बातों में से कुछ बातें आप अपने साथ लेके जाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. एक अनाउंसमेंट करना मैं भूल गया. देखिए, अच्छी चीज़ों का डोमिनो इफेक्ट कैसे होता है. हमीदा आपा ने यहाँ पर मौलाना आज़ाद चेयर इस्टेब्लिश की. उर्दू की बस्तियाँ जहाँ भी हैं, ये खबर सब जगह पहुँच गई. इन्होंने अपना उर्दू का जो कोर्स किया था, उर्दू अदीब कामिल, ये इन्होंने अलीगढ़ से, जामिया उर्दू अलीगढ़ से किया था. उन्होंने जैसे ये सुना, उन्होंने इनके नाम में, हमीदा आपा के नाम में एक नया उन्होंने ब्लॉक बनाया, बिल्डिंग इनके नाम में, उसका नाम जो है वो इस्टेब्लिश करने वाले हैं, हमीदा चोपड़ा ब्लॉक.
इसके अलावा एक चेयर भी हमीदा बानो चोपड़ा के नाम में उन्होंने इस्टेब्लिश की है। अब ये गालिबन वहाँ ये लोग उनके पास आएंगे, उनसे बात करेंगे, तो अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है, उसकी पहुँच आगे तक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर फॉर द इन्फॉर्मेशन। श्रीमती हमीदा बानू चोपड़ा ने उदयपुर विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में एमए किया और जामिया उर्दू अलीगढ़ विश्वविद्यालय से अबीद कामिल। उन्होंने बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और आईआईटी गांधीनगर में उर्दू पढ़ाया। उन्होंने कई अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किए और साहित्यिक उर्दू कवियों पर बड़े पैमाने पर व्याख्यान किए। श्रीमती चोपड़ा ने संस्थान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चेयर का समर्थन के लिए एक उदार समर्थन की स्थापना की है। वह वर्तमान में देवनागरी में मौलाना आज़ाद के प्रसिद्ध काम सूरा ए फातिहा के लिप्यांतरण पर काम कर रही हैं, जिसमें व्याख्यात्मक नोट्स भी शामिल हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती हमीदा बानू चोपड़ा जी का। میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا ہے، میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا ہے، خاک ناچیز تھا سو مجھے انسان کیا ہے۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا ہے، خاک ناچیز تھا سو مجھے انسان کیا ہے، اور اس کے فروغ حسن کا سب کے ہے، اس کے فروغ حسن کا جھمکے ہے سب میں نور، اس کے فروغ حسن کا جھمکے ہے سب میں نور، شمع حرم ہو یا کہ دیا سومناتھ کا۔ سو میر تقی میر کے اشعار کے ساتھ میں آج اس تقریب میں آپ سب کا استقبال، آپ سب کا سواگت کرتی ہوں، خاص طور سے دور سے آئے ہوئے مہمانوں کا، اور ناہید بہن جو کہ کلکتہ سے تشریف لائی ہیں، اور میری اوشا بہن جو کہ بامبے سے تشریف لائی ہیں۔ میں ان سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب اتنا اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پر آئے ہیں، میں سب کا سواگت کرتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس موقع پر اور اس دانشگاہ، اس انسٹیٹیوٹ سے آپ سے مخاطب ہونا میرے لیے باعث فخر و مسرت ہے۔ جانے پہچانے چہرے نظر آ رہے ہیں، امیت بھائی ہیں، شرما صاحب ہیں، گورو ہیں، یہ سب کے سب میرے ساتھ رہے ہوئے ہیں۔ دانشگاہ کے منتظم کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری تجویز منظور کی اور مولانا محترم کے نام پر اردو چیئر قائم کی۔ مولانا مرحوم کے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے، ہمارے ملک پر اور خاص طور سے ہمارے طالب علموں پر بہت احسان ہے۔ فیض احمد فیض کے لفظوں میں، اتنے احسان کہ گنواؤں تو گنوا نہ سکوں۔ آپ کی انمول سیاسی خدمت کا تو ذکر نہیں کرتی، دنیا کے ادب میں آپ کا بہت بڑا بلند مقام ہے، جیسا بھی آپ نے سنا بھی۔ آپ کی نثر آپ کی پروز کا جواب نہیں ہے۔ مشہور شاعر حسرت موہانی، جو کہ خود بہت بڑے شاعر تھے، جن کی آپ سب کو یاد ہوگی، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے نا، جن کی مشہور غزل ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب سے دیکھی ہے آزاد کی نثر، جب سے دیکھی ہے آزاد کی نثر، حسرت اپنی شاعری میں کچھ مزہ نہ رہا۔ تو یہ مولانا کی نثر ہے۔ ہزاروں لوگوں کی طرح سے میرے بھی بہت ہی پسندیدہ مصنف لیکھک ہیں۔ ان کی تصنیفات نے، ان کی کتابوں نے، ان کی تحریروں نے بہت لطف دیا ہے۔ انہیں پڑھ کر بہت چین اور سکون ملا ہے، اور زندگی کے بہترین سبق سیکھے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کا دن میرے لیے کتنی اہمیت کا ہے۔ اس درسگاہ کا، اس انسٹیٹیوٹ کا سے میرا تعارف سن 2011 میں ہوا،
जैसा कि अमित भाई ने बताया, सुधीर भाई ने मुझे यहाँ उर्दू पढ़ाने के लिए कहा। सुधीर भाई को गालिबन यह एहसास हो रहा था कि हमारे बच्चे टेक्निकल फील्ड में तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, मगर इंसानी जज्बात जो है ना, वो ठंडे पड़ रहे हैं, वो सर्द पड़ रहे हैं, और हम अपनी तहजीब और अपनी सभ्यता से बहुत दूर जा रहे हैं। उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी बच्चों की एक तरफा होती जा रही है, तो तवाजुन जो है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ता जा रहा है। और इसलिए ह्यूमैनिटी के और भी सब्जेक्ट, फ़लसफ़ा भी यहाँ पढ़ाया जाता है, मौसीकी भी सिखाई जाती है, और इसी सिलसिले में मेरा भी आना हुआ। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आई, तो मैं सुधीर भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पढ़ाने का मौका दिया। मैं दो कोर्स पढ़ा रही थी, एक उर्दू लिखने पढ़ने का और दूसरा शायरी का, और मेरा पुख्ता यकीन है कि सिर्फ शायरी पढ़ने से और महफिलें और मुशायरे करने से उर्दू ज़िंदा नहीं रह सकती, है ना। इसका लिखना पढ़ना, इसकी रस्मुलख़त, इसका स्क्रिप्ट को जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। सो ये मेरी दो क्लासेस थी। जब मैं पहली क्लास में गई तो सिर्फ 8 طلبہ 8 اسٹوڈنٹس تھے، تو میرا دل بیٹھ گیا کہ سر صرف 8 لوگ۔ پڑھا پڑھا کے پھر کلاس کے بعد میں سیدھی امیت بھائی کے پاس گئی کہ امیت بھائی، کلاس میں تو صرف 8 بچے تھے۔ تو امیت بھائی نے کہا، حمیدہ جی 8 تو بہت ہوتے ہیں۔ کہ ہیومینٹیز میں تو کئی بار 3 اور 4 اور 5 ہی ہوتے ہیں، مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر خیر۔ تو شام کو شاعری کی کلاس میں 19 بچے تھے، چلو تھوڑا بہتر ہو گیا ہے نا، لیکن بچے اتنے شوق سے پڑھ رہے تھے کہ بہت پڑھانے میں بہت مزہ آیا۔ لیکن یہ سوال رہ رہ کر گاہے گاہے اٹھتا رہا کہ اتنی دور اتنے کم بچوں کے کو پڑھانے کے لیے آؤں۔ لیکن خدا جانے کیا کشش تھی، کیا بات تھی، کہ جب بلاوا آیا تو میں اگلے سال پھر چلی آئی، اور کیا دیکھتی ہوں کہ اردو زبان کا جادو چل گیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ لکھنے پڑھنے کی کلاس میں 30-35 بچے اور شاعری کی کلاس میں تو 60-70 بچے ہو گئے۔ سو پھر اور بچے ایک ایک سے بڑھ کے شوق سے پڑھنے والے، سو بہت مزہ آیا اور بہت ہم لوگوں نے لطف اٹھایا۔ کچھ سست اور شیطان بچے بھی تھے، مگر ان کے بغیر بھی ہے نا، ان کے بغیر بھی کیا مزہ ہے نا، آخر استاد کا بھی تو امتحان ہونا چاہیے نا۔ سو تو لیکن اللہ کے فضل سے ہماری اور بچوں کی بہت بنائی، اور اردو زبان نے ہم دونوں کے بیچ میں، بچوں کے اور ہمارے بیچ میں، بہت ہی پختہ اور ہے نا ایک محبت کا رشتہ قائم کر دیا۔ اور اس رشتے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہاں پر جیسے سب ہیں نا، ٹیچرس کو، استاد کو میڈم میڈم کرتے ہیں یا سر، وہ میڈم میڈم میرا ختم ہو گیا اور آپا ہو گئی میں، ہے نا۔ سو اسی نام سے میں باقاعدہ آج تک ہے نا پکاری جاتی ہوں، اور وہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ صرف کلاس میں ہی نہیں بلکہ بچے آفس میں اور اپارٹمنٹ میں بھی آتے رہے، اور سب طرح کے موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ میں اپنے 2 تجربوں کا ذکر کرنا چاہوں گی جس سے اس درسگاہ کے ماحول کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اردو زبان میں جو مٹھاس، جو ایک کھنک سی ہے، وہ سب اس کے تلفظ میں، اس کے پروننسیشن کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی نے غزل اور غالب کے بجائے غالب اور غزل کہا، تو وہ غزل کا بھی ستیہ نیاس ہو گیا اور غالب کی روح بھی تڑپ کے رہ گئی۔ سو تلفظ پہ بہت دھیان دیا جاتا تھا کلاس میں، اور کافی وقت جاتا تھا اس میں، لیکن زیادہ تر بچے جو ہے نا آخر میں اپنا تلفظ صاف کر لیتے تھے۔ کلاس کے ختم ہونے کے بعد عام طور سے، جیسا کہ ہم لوگوں کی عادت ہے، ہماری تہذیب کا تقاضا بھی ہے، کہ سب بچوں کو خدا حافظ کہتی تھی، تو کوئی جواب میں کہتا، کوئی نہیں بھی کہتا، ہے نا۔ ایک بچہ ہمیشہ، جس کو خے بولنے میں بہت ہی پریشانی ہوتی تھی، وہ ہمیشہ کلاس کے بعد میرے قریب آ کر
और इतने प्यार और इतने एफर्ट से सुधीर भाई कहता था आपा खुदा हाफिज। कसम से इतनी वो मेहनत लगाता था इसके करने में कि मेरा जी करता था इस बच्चे को गले लगा लूं, कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि ये छोटी सी बात इस तरफ इशारा करती है कि यहाँ के मुंतजमीन ने, बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स ने और काम करने वालों ने भी वो माहौल पैदा किया है कि एक बच्चा अपनी कमज़ोरी को जानते हुए भी उस्तानी के सामने जाते हुए हिचकिचाता नहीं है, है ना, और जाके वहाँ पर ये कहता है, इस तरह से बोलता है। तो खुदा ना करे मगर फिर कभी ज़िंदगी में ऐसा सबक़ा पड़ा उस बच्चे को तो वो अपनी कमज़ोरी की वजह से रुकेगा नहीं। गरज है ना, वो ज़रूर उसका सामना करेगा अपनी कमज़ोरी के साथ भी। गरज यहाँ पर सिर्फ पोथियाँ पढ़ा ही नहीं जाती हैं, यहाँ पर किरदार भी तैयार किए जाते हैं, कैरेक्टर भी तैयार किए जाते हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक महफिल मुनक्कद की जो आम तौर से हर सेमेस्टर के बाद की जाती थी, तो उसमें जो क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता था वही वो वहाँ पर आके महफिल में गज़ल या नज़्म जो भी होती थी ना पढ़ते थे। तो उसके लिए हम काफ़ी अच्छी तैयारी भी करते थे। मेरे ख़्याल से ना आईआईटी के वेबसाइट पे हैं वो महफिल, ना कभी आपको फुर्सत मिले तो देखिएगा। तो उसमें क्या हुआ कि एक बच्चा, माफ़ कीजिएगा प्यास लग गई, एक बच्चा आया कि आपा मैं भी इस महफिल में पढ़ना चाहता हूँ और मुझे बच्चे की दुआ नज़्म जो है वो बहुत पसंद है, वो पढ़ूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो रिहर्सल के वक्त शाम को आप आ जाना। तो वो आ गया। अब मेरी हैरानी है, और वो नज़्म आप सबको पता है, अल्लामा इकबाल की नज़्म, लब पे आती है दुआ, है ना, उससे शुरू, लब पे आती, लब से शुरू होता है वो, लब पे आती है दुआ। तो वो बच्चा ब की आवाज़ नहीं निकाल सकता। मुझे बहुत हैरानी हुई कि बात तो सब जुबानों में है लेकिन किसी वजह से वो बा को वाह कहता था। तो जब हमारी जब रिहर्सल हुई तो वो लब पे आती के बजाय कहे लव पे आती है। तो मैंने कहा भैया ये लव वव तो नहीं चलेगा। तो उसने, मैंने भी और उसने भी बहुत मेहनत की, बहुत मशक्क़त की, लेकिन और वो भी थक गई, मैं भी थक गई, वो भी थक गया, मैं भी थक गई। लेकिन अब करूं तो क्या करूं। फिर क्या हुआ कि सोचती रही कि भाई क्या किया जाए। सादिक भाई को फ़ोन किया जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। सादिक भाई माहिर हैं इस बात के, और वो रेडियो में और टेलीविज़न पे और जो एयरलाइन में जो लोग ऐलान करते हैं ना उनके तलफ़ साफ़ करते हैं। तो उनसे कहा कि भाई ये बात है कि सादिक भाई को सारी बात बताई। मैंने कहा अगर इस बच्चे को ना कहना नहीं चाहती क्योंकि नन्ना से दिल टूट जाएगा और पढ़ाना भी नहीं चाह, गलत पढ़ाना भी नहीं चाहती हूँ, तो सादिक भाई की मेहरबानी के वो आए, उनके साथ बैठे और उस बच्चे के तलफ़ साफ़ की जो भी किया, जाते हुए कहेगा कि हमीदापा जो कुछ मुझसे होता था मैं कर चुका। फिर मेरा कायदा था कि महफिल से पहले क्लास में बच्चों को, जो पढ़ने वाले हैं महफिल में, उनको क्लास के सामने पढ़वाती थी ताकि थोड़ी जो झिझक होती है ना वो निकल जाए। तो जब ये बच्चा पढ़ने के लिए आया है ना, क्लास के बच्चों को भी सबको पता लग गया था कि इसकी ये मुश्किल है। तो जब ये बच्चा पढ़ने को आया और सबके सामने उसने कहा लव के बजाय लब पे आती कहा, तो यकीन कीजिए सारी क्लास, माहौल जो था ना जो क्लास, तालियों से गूंज उठी। सब बच्चे इतने खुश हुए कि सब ने एकदम, क्योंकि लब पे आती कह दिया ना उसने, बा उसका मुँह से निकल गया। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसका सहरा भी इंस्टीट्यूट को जाता है कि ये बच्चे है ना, कि इतना यहाँ पर ज़बरदस्त कंपटीशन भी है लेकिन साथ ही ये जज्बा भी रखते हैं कि अपने क्लास फेलो है ना, अपने हम जमात, अपने क्लास फेलो की कामयाबी पर खुश होना भी जानते हैं। तो ये बड़ी बात है।
और ये सब इसलिए है कि माहौल ऐसा पैदा किया गया है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें आप है ना देख सकते हैं। और एक बात और है जो मैं अनिल से परसों कह रही थी कि यहाँ के जो काम करने वाले हैं, जो भी सब इंस्टीट्यूट को संभालते हैं, उनको पता नहीं किसने सिखाया, सुधीर भाई ने कहा होगा या किसी और ने कहा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ना इन लोगों के मुँह से नहीं निकलती है। कोई काम हो, किसी डिपार्टमेंट से हो, आप कौन है ना, कोई कंप्यूटर का हो, कहीं का भी हो, हमेशा पहले हाँ आएगी, काम नहीं हुआ बाबा रहने देना भैया, बात करने दे मुझे। अभी बात सो बहरहाल हाँ, गौर करने की बात यही है कि जमात और अपने क्लास फेलो पे किस तरह से ये लोग खुश हुए हैं। सो आखिरी बात यही कहना चाहूँगी कि ये सब, ये जो दो आपके सामने जो अपने तजुर्बे दिए हैं, इससे मकसद ये है कि यकीनन ये दरसगाह अपने मकसद में कामयाब हो रही है, और अल्लाह करे और इस दरसगाह का बहुत दरसगाह ये इंस्टीट्यूट खूब फले फूले। यहाँ से निकला हुआ हर तालिब इल्म, हर विद्यार्थी सिर्फ अपनी कौम और मुल्क के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के काम आए और इंसानियत की खिदमत करे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं पैनल पे बैठे सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा आपको टाइम का कार्ड ले लाने के लिए, पर संचालन के हैसियत से मेरे पास भी टाइम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सो इसी के साथ ही मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के निदेशक प्रोफेसर सुधीर के जैन का स्वागत करता हूं कि वे आएं और हमें संबोधित करें। इंस्टीट्यूट में इकट्ठे हुए सभी मेहमानों का मैं अभिनंदन करता हूं, साथियों, छात्रों, आज ये बहुत ही विशेष दिन है इंस्टीट्यूट के लिए भी और मेरे लिए भी पर्सनली। मेरा ख्याल है कि इस विषय में थोड़ी बात ऑलरेडी हो चुकी है, हमीदा जी ने बताया कि कोशिश रहती है कि हमारे स्टूडेंट्स ऑलराउंडेड हों, उनको सिर्फ तकनीकी का साइंस का ही ज्ञान नहीं हो बल्कि एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छा उनका एक व्यक्तित्व हो, एक अच्छी पहचान हो, एक अच्छा नज़रिया हो, एक समझदार हों, विजडम हो उनमें, और इसीलिए कोशिश करते हैं कि उनको कई तरह की चीज़ें सिखाई जाएं। और हमीदा जी से थोड़ा परिचय मेरा पहले से था और रिक्वेस्ट की उनसे, 2010 दिसंबर की बात है, रिक्वेस्ट की, उदयपुर आई हुई थी, उनसे कहा कि एक दिन आकर के थोड़ा उर्दू पोएट्री का एक वो हो जाए, सेशन हो जाए, तो आई वो और उसके बाद उनसे बात शुरू हुई। फिर मैं कैलिफोर्निया एक बार गया हुआ था, वहाँ पर मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा कि आप बर्कले में उर्दू पढ़ाती हैं, अरे अपने देश में भी तो पढ़ाइए, ऐसे कैसे चलेगा, आप विदेशियों को पढ़ा रही हैं, अपने देश वालों का क्या होगा। और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी, आई वो यहाँ पर, तकलीफ़ हुई, हम चोपड़ा साहब को अकेला छोड़ करके, रोटी सब्जी की भी दिक्कत हुई होगी, और चोपड़ा साहब से मेरी एसोसिएशन बहुत पुरानी है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बहुत फेमस प्रोफेसर हैं, हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े डैम बने हैं उन सब की अर्थक्वेक एनालिसिस में इनका काफ़ी योगदान रहा है। और जब मैं बच्चा था, 20 साल की उम्र में अमेरिका गया था, तभी उस समय चोपड़ा साहब का एक हैसियत थी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में। तो एनीवे, तो हमीदा जी ने हमारी ये रिक्वेस्ट मानी, चोपड़ा जी ने भी सहयोग दिया और ये एक सिलसिला शुरू हुआ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। और कोशिश ये है कि ना केवल उर्दू सीखें बच्चे बल्कि एक तहजीब सीखें, बल्कि एक थोड़ा सा एक उर्दू की जो नज़ाकत है वो समझें और थोड़ा सा एक रिचनेस पर्सनैलिटी में आए। तो जब ये अनाउंस किया गया तो एक बच्चे की ईमेल आई, कि अपने स्टूडेंट की ईमेल आई, 2015 में ग्रेजुएट हुआ है, आदित्य सामंत, शायद आपको याद होगा, बोला हमीदा जी के साथ 4 कोर्स किए उसने उर्दू में और इतना खुश है वो आज के इस जलसे से। उसने कहा साहब मज़ा आ गया बिल्कुल, बोला मैं आ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को कहीं और जाना है और मैं कैलिफोर्निया में आकर के मिलने वाला हूँ आपसे। तो ये एक बहुत अच्छा सिलसिला शुरू हुआ और कोशिश थी, कुछ समय से बातचीत चल रही थी कि कैसे ये सिलसिला आगे रहेगा। हमारे देश में काफ़ी चीज़ें होती हैं, अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको लंबे समय तक बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है।
और इसीलिए कोशिश ये थी कि भाई चार चीज़ें करो, दस चीज़ें मत करो, लेकिन जो चार चीज़ें करो वो ऐसे करो कि वो चलती रहें, क्योंकि दस चीज़ें करोगे उसके बाद वो बंद हो जाएंगी, उसके बाद ज़ीरो पर आ जाएंगी, उसका कोई लाभ नहीं है। तो ये बात चल रही थी और इसमें हमीदा जी ने, चोपड़ा साहब ने काफ़ी उत्साह के साथ इसमें योगदान दिया। इसके लिए इंस्टीट्यूट बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बहुत बहुत आपका ये कंट्रीब्यूशन है इंस्टीट्यूट के लिए। न केवल आपने उर्दू पढ़ाई, न केवल आप सालों साल यहाँ छः छः सात सात हफ्ते आकर के रहीं, जैसा अमित ने कहा स्वास्थ्य का भी सिलसिला कभी कभी गड़बड़ाया, लेकिन आप कभी थकी नहीं। इनफैक्ट मेरा हमीदा जी से झगड़ा ये होता था, बोलती थी चार कोर्स पढ़ाऊंगी, तीन कोर्स पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो पुराने बच्चे हैं ना, उनको एडवांस पढ़ाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट जो है ना, जो पिछले साल पढ़ गए हैं उनको हायर लेवल की स्क्रिप्ट पढ़ानी पड़ेगी, और नए वालों को छोटी वाली पढ़ानी पड़ेगी। जिनको लिटरेचर पिछली बार पढ़ाया था उनको हायर लेवल। मैंने कहा कितना पढ़ाएंगी आप, थक जाएंगी, कम पढ़ाइए। तो नहीं 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 सुधीर भाई, कैसे काम चलेगा। तो एक बिल्कुल इनका जो उत्साह था, जो बिल्कुल एक क्रांतिकारी वाला एक इनका वो था, एटीट्यूड था कि भाई मुझे करना है, जज्बा था, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और आज कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मेहमान आए, इस बहाने हमको मौका मिला कुछ मेहमानों को बुलाने का, फिरोज़ बख्त साहब को, वासी साहब को, मैडम हमीद को, और नाहिद बहन आई हैं यहाँ पर। सो कोशिश करेंगे कि आप लोग आते रहें, आज पहली बार ज़रूर आए हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप लोग आते रहें। समय की थोड़ी सख्ती है, आईआईटी है यहाँ पर जो है ना, समय पर थोड़ा पाबंदी करते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा असुविधा हुई होगी। आशा करेंगे अगली बार आप आएंगे तो खूब बोलिए, अच्छी तरह से हम लोग सुनेंगे। आज के मौसम में, आज के मौके में थोड़ा सा उचित है, इसीलिए मेरे को लगा जब वो दो मिनट वाला नोटिस गलती से हमीदा जी के साथ चला गया, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि डायरेक्टर के ऊपर वो रूल नहीं लगेगा, तो मैंने उसको दे दिया राहुल को। मैंने कहा भैया मेरे ऊपर भी पर्चा लगा देना, ऐसा ना हो कि वो सोचे कि ये डायरेक्टर है तो इसके लिए। सो एनी वे we are very very grateful, thank you very much everybody, ladies and gentlemen, we are indeed grateful that everybody here came, some of you traveled long distance, Mrs. Usha Murthy came, we requested her to be here and she very kindly has traveled all the way from Bangalore just to be here today. There are many other people that are here today. Nasreen, Benny Banerjee, they came for the first time again. Nasreen and Benny, I hope Amit Prashant will do some magic on you guys and will be able to get you back here more frequently. There are many, many people here that I see and I hope ki ye jo aaj silsila shuru hua hai, ye aage bhi chalta rahega aur hum log kisi na kisi form mein, kisi na kisi tarike se is discussion ko, is tarah ki cheezon ko aage badhate rahenge. Aap sab ka bahut bahut shukriya, dhanyawad. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जैन। अब मैं इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर मुबाशिर अहसान जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आदाब, नमस्कार। डाइस पर बैठे हुए हमारे मेहमानाने गिरामी और महफिल में मौजूद हमारे सभी हाजरीन, आप बहुत ही सब्र के साथ हमारे और बहुत ही हौसले के साथ हमारे मेहमानाने गिरामी के स्पीचेस सुने, तकरीरें सुनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईआईटी गांधीनगर हमारे मुल्क का एक नेक नाम इदारा है, जिसने बहुत कम अरसे में तालीम व तरबियत के मैदान में कई गैर मामूली मिसालें कायम की हैं और अपना एक मेयार बनाया है। यहाँ पर फिक्री और दानिशवराना मौजूआत साइंटिफिक टॉपिक्स पर ही प्रोग्राम्स नहीं होते, बल्कि यहाँ पर शेर व शायरी की महफिलें भी हुआ करती हैं। इस मरतबा फिर से आईआईटी गांधीनगर के अदब दोस्तों ने, अदब नवाज़ों ने एक महफिल मुशायरा का अहतमाम किया है और ये बहुत ही खुशी की बात है। जैसा कि आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि साइंस और इसके दीगर शोबों, मसलन मेडिकल और इंजीनियरिंग का जमालियाती एहसासात, एस्थेटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, हालांकि ये ख्याल महज़ गलतफहमी पर मबनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिस्से लतीफ़
گڈ سینس اور گڈ ٹیسٹ سارے انسانوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ حصہ لطیف کا استعمال نہ کرنے سے انسان انسان نہیں بلکہ وہ مشین بن جاتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس محفل میں ہم آپ کو انسانی محسوسات اور فکری جمالیات کی دنیا میں لیے چلتے ہیں، اور ایک مشاعرے کا جو اہتمام کیا گیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے شروعات اور آغاز کرنا چاہیں گے ایک ہماری طالبہ کرشمہ گپتا، انہیں میں آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو محظوظ نوازیں۔ یہاں موجود سبھی خواتین و حضرات کو میرا آداب۔ آج میں آپ سبھی کے سامنے شاعرہ زہرہ نگاہ کی ایک نظم پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے سنا ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں، ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کووں کے انڈوں کو پروسے تھام لیتی ہے۔ ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے انڈے چھوڑ کر کووں کے انڈوں کو پروسے تھام لیتی ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ جب گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے، سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ جب گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بئے کے گھونسلے کا گندمی رنگ لرستا ہے، سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بئے کے گھونسلے کا گندمی رنگ لرستا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسن مان لیتی ہیں۔ سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بئے کے گھونسلے کا گندمی رنگ لرستا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسن مان لیتی ہیں۔ کبھی طوفان آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے تو، کبھی طوفان آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خدا وندہ جلیل و معتبر دانو بینا منصف و اکبر، میرے اس شہر میں اب جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر، کوئی دستور نافذ کر۔ جاتے جاتے اب میں آپ سبھی کے سامنے مرزا غالب کی غزل کے چند شعر پیش کرنا چاہوں گی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ دھنیواد۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت نظم زہرہ نگاہ کی سنا ہے۔ اب اس کے بعد میں دوسری طالبہ بھارتی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی نظم پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اور ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بہت بہت شکریہ سر کا۔ منچ پر آسین ہمارے مہمان اور محفل میں موجود ہمارے سبھی حاضرین کا میں یہاں پر بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج ساری دنیا میں جس طرح کے حالات ہیں
इसके मद्देनज़र मैं आपके सामने मशहूर शायर साहिर लुधियानवी जी की एक नज़्म पेश करने जा रही हूँ। नज़्म का उन्वान है ऐ शरीफ इंसानों। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे के सरहद पर, बम घरों पर गिरे के सरहद पर। रूहे तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले के औरों के, खेत अपने जले के औरों के। जीस्त फाकों से दिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे। कोख धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का सो। जिंदगी मैयतों पे रोती है, बर्तरी के सबूत की खातिर। खून बहाना ही क्या जरूरी है, घर की तारीकियां मिटाने को। घर जलाना ही क्या जरूरी है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी। भूख और एहतियाज कल देगी, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों। जंग टलती रहे तो बेहतर है, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है, शमा जलती रहे तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह। अब इसके बाद मैं एक तालिब इल्म एहतिशाम को आवाज़ देता हूँ। वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम की किताब तज़किरा से एक इक्तिबास नोट कोट पेश करेंगे, इस मखदूम के इस शेर के साथ कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। डाइस पर मौजूद मेहमानान गिरामी, असाज़ा इकराम, महफिल में तशरीफ़ फरमा हाज़रीन, मैं आप सबको तहे दिल से आदाब पेश करता हूँ।
اب تک آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد کے متعلق بہت سی باتیں سنی، ان کی شاعری سے بھی آشنا ہوئے۔ اب میں ان کے نثر کا ایک نمونہ جو ان کی کتاب تذکرہ سے لیا گیا ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں، بڑوں بڑوں کا عذر یہ ہوتا ہے کہ وقت ساتھ نہیں دیتا اور سر و سامان و اسباب کار فراہم نہیں، لیکن وقت کا عظیم و فاتح اٹھتا ہے اور کہتا ہے، اگر وقت ساتھ نہیں دیتا تو میں اس کو ساتھ لوں گا، اگر سر و سامان نہیں تو اپنے ہاتھوں سے تیار کر لوں گا، اگر زمین موافق نہیں تو آسمان کو اترنا چاہیے، اگر آدمی نہیں ملتے تو فرشتوں کو ساتھ دینا چاہیے، اگر انسانوں کی زبانیں گونگی ہو گئی ہیں تو پتھروں کو چیخنا چاہیے، اگر ساتھ چلنے والے نہیں تو کیا مذائقہ، درختوں کو دوڑنا چاہیے، اگر دشمن بے شمار ہیں تو آسمان کی بجلیوں کی بھی کوئی گنتی نہیں، اگر رکاوٹیں اور مشکلیں بہت ہیں تو پہاڑوں اور طوفانوں کو کیا ہو گیا کہ راستہ صاف نہیں کرتے، وہ زمانے کا مخلوق نہیں ہوتا کہ زمانہ اس کو اپنی چاکری کرائے، وہ وقت کا خالق اور عہد کا پالنے والا ہوتا ہے اور زمانے کے حکموں پہ نہیں چلتا بلکہ زمانہ آتا ہے تا اس کی جنبش لب کا انتظار کرے۔ وہ دنیا پر اس لیے نظر نہیں ڈالتا کہ کیا کیا ہے جس سے دامن بھر لوں، وہ یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ کیا کیا نہیں ہے جس کو پورا کر دوں، اس کا مایہ خمیر بخشش و نوال ہے، طلب و سوال نہیں، اس کی نظریں طاق کی بلندی نہیں ناپتی، ہمیشہ اپنے ہاتھوں کی رسائی اور قد کی بلندی دیکھتی رہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب احتشام الحق صاحب۔ اب اس کے بعد میں اپنے بہت ہی معزز پروفیسر جناب اتل دکشت صاحب کو آواز دیتا ہوں اور غزل کے ان دو شعر کے ساتھ کہ اداس ایک مجھی کو تو کر نہیں جاتا، اداس ایک مجھی کو تو کر نہیں جاتا، وہ مجھ سے روٹ کے اپنے بھی گھر نہیں جاتا، اداس ایک مجھی کو تو کر نہیں جاتا، وہ مجھ سے روٹ کے اپنے بھی گھر نہیں جاتا، وہ دن گئے کہ محبت تھی جان کی بازی، وہ دن گئے کہ محبت تھی جان کی بازی، کسی سے اب کوئی بچھڑے تو مر نہیں جاتا۔ میں احسان بھائی کا شکر گزار ہوں اور حمیدہ جی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تین چار ہفتے پہلے مجھے فون آیا اور 9-to-5 کوڈ تھا، تو میں سمجھ گیا کہ کیلیفورنیا سے ہیں، پر اچانک سے سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے اتنے پیار سے کہا اتل بھائی اور مجھے کہا کہ ایک غزل پڑھنی ہے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد چیئر کا پروگرام ہو رہا ہے، تو مجھے ایکچولی غزل کی ٹرمینالوجی پتہ نہیں ہے، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے اردو نہیں آتی ہے تو پڑھنے کے لیے مجھے کیوں چوز کیا ہے، تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ گانا ہے، تو احسان بھائی نے مجھے ای میل کیا کچھ دن بعد اور پھر اس ای میل کی پہلی ہی لائن تھی، تاخیر سے جواب دینے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، تو وہ دیکھیں سو انہوں نے پھر مجھے وہ غزل ای میل کی تھی اور میں نے ان شبدوں کا پروننسیشن جو ہیں وہ ان سے ایکچولی انڈرسٹینڈ کی واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے، مولانا ابوالکلام آزاد جی کی ہی غزل ہے، تو انہوں نے ہر ایک شبد کا مجھے پروننسیشن بتایا، تو آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو یو احسان بھائی، اور یہ میں نے راگ گورکھ کلیان میں کمپوز کی ہے۔ کیوں اسیرے گے سوئے ہمدار قاتل ہو گیا، کیوں
اسیرے گے سوئے خمدار قاتل ہو گیا ہائے کیا بیٹھے بٹھائے تجھ کو اے دل ہو گیا کیوں اسیرے گے سوئے خمدار قاتل ہو گیا ہائے کیا بیٹھے بٹھائے تجھ کو اے دل ہو گیا کیوں اسیرے گے سوئے کوئی نالا کوئی گریا کوئی بسمل ہو گیا کوئی نالا کوئی گریا کوئی بسمل ہو گیا اس کے اٹھتے ہی دیگر گوں رنگ محفل ہو گیا اس کے اٹھتے ہی دیگر گوں رنگ محفل ہو گیا ہائے کیا بیٹھے بٹھائے تجھ کو اے دل ہو گیا کیوں اسیرے گے سوئے انتظار اس گل کا اس درجہ کیا گلزار میں ہو انتظار اس گل کا اس درجہ کیا گلزار میں نور آخر دیدائے نرگز کا زائل ہو گیا نور آخر دیدائے نرگز کا زائل ہو گیا ہائے کیا بیٹھے بٹھائے تجھ کو اے دل ہو گیا کیوں اسیرے گے سوئے کیسو مجنوں کا تصور بڑھ گیا جب نجد میں کیسو مجنوں کا تصور بڑھ گیا جب نجد میں ہر بگولا دشت کا لیلائے محمل ہو گیا ہر بگولا دشت کا لیلائے محمل ہو گیا ہائے کیا بیٹھے بٹھائے تجھ کو اے دل ہو گیا کیوں اسیرے گے سوئے یہ بھی قیدی ہو گیا آخر کمند زلف کا یہ بھی قیدی ہو گیا آخر کمند زلف کا لے اسیروں میں تیرے آزاد شامل ہو گیا لے اسیروں میں تیرے آزاد شامل ہو گیا ہائے کیا بیٹھے بٹھائے تجھ کو اے دل ہو گیا کیوں اسیرے گے سوئے خمدار قاتل ہو گیا ہائے کیا بیٹھے بٹھائے تجھ کو اے دل ہو گیا کیوں
असीरे गे सुए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बतों के साथ आप सुन रहे थे। अब इसके बाद जिस अजीम शख्सियत को मैं बुलाना चाहता हूँ, उनका नाम नामी इसमें ग्रामी है, प्रोफेसर अनिल कुमार चोपड़ा साहब, इस शेर के साथ, और माजरत करते हुए भी कि तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके दर पे रख से वहशत क्यों नहीं करते, तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके दर पे रख से वहशत क्यों नहीं करते, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते। ये तुम्हारी तलख नवाइयां कोई और सह के दिखा तो दे, ये तुम्हारी तलख नवाइयां कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। तेरे मशवरे के खुलूस पर मुझको तर्क इश्क कबूल है, मगर एक बात है हम नशीं मेरी जिंदगी का सवाल है। इकबाल अजीम के नशार के साथ मेरा सलाम कबूल हो, मेरी नमस्ते कबूल हो। इकबाल अजीम 20वीं सदी के शायर थे, अलामा इकबाल के कई काफ़ी अरसे बाद आए, इनका 2000 में इंतकाल हुआ। बेहतरीन गज़लें लिखी हैं और नात के लिए ये ख़ास मशहूर थे। तो उन्हीं की ये गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ। कूचे में तेरा कूचे में तेरे कौन सा जादू है न जाने, जो लौट के आवे है दीवाना लगे है। याद आवे हैं जब नींद से बोझल तेरी आँखें, गम खाना भी जैसे मुझको मैं खाना लगे है। अफसाना तो सब जाने हैं सच्चा नहीं होता, इस दौर में सच बात भी अफसाना लगे है। चेहरों का अजब हाल है अफकार के हाथों, अपना भी मिले कोई तो बेगाना लगे है। और ये मेरा खास पसंदीदा शेर, दुर्वेश नुमा लोगों से बच बच के गुजरिए, दुर्वेश नुमा लोगों से बच बच के गुजरियो, अंदाज फकत इनका फकीराना लगे है। और ये गजल का मकता, गुलशन भी बहुत देखे हैं इन आंखों ने इकबाल, जिन आंखों को अब शहर भी वीराना लगे। अब एक नज्म, मोइन हसन जज़्बी, ये भी 20वीं सदी के शायर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, 2005 में इनका इंतकाल हुआ। इन हैं जी, अच्छा, सो आपने तो उनसे सुनी होगी ये नज्म, उनकी मशहूर नज्म मौत। सो मौत का बुलावा आ गया है लेकिन हमारा शायर अभी तैयार नहीं है। तो फरमाते हैं, अपनी सोई हुई दुनिया को जगा लूं तो चलूं, अपने गमखाने में एक धूम मचा लूं तो चलूं, और एक जामे मैं तलख चढ़ा लूं तो चलूं, अभी चलता हूं जरा खुद को संभालूं तो चलूं, राइट। अपनी सोई हुई दुनिया को जगा लूं तो चलूं, अपने गमखाने में एक धूम मचा लूं तो चलूं, और एक जामे मैं तलख चढ़ा लूं तो चलूं, अभी चलता हूं जरा खुद को संभालूं तो चलूं। जाने कब पी थी अभी तक है मैं गम का खुमार, धुंधला धुंधला नजर आता है जहाने बेदार, आंधियां चलती हैं दुनिया हुई जाती है उबार, आंख तो मल्लू
آنکھ تو مل لوں ذرا ہوش میں آ لوں تو چلوں. وہ میرا سحر وہ اعجاز کہاں ہے لانا, میری کھوئی ہوئی آواز کہاں ہے لانا, میرا ٹوٹا ہوا وہ ساز کہاں ہے لانا, ایک ذرا گیت بھی اس ساز پہ گا لوں تو چلو. میں تھکا ہارا تھا اتنے میں جو آئے بادل, کسی متوالے نے چپکے سے بڑھا دی بوتل, اف وہ رنگین پر اسرار خیالوں کے محل, ایسے دو چار محل اور بنا لوں تو چلو. مجھ سے کچھ کہنے کو آئی ہے میرے دل کی جلن, کیا کیا میں نے زمانے میں نہیں جس کا چلن, آنسوؤں تم نے تو بیکار بھگویا دامن, اپنے بھیگے ہوئے دامن کو سکھا لوں تو چلو. اور یہ آخری بند بہترین بند ہے, غور فرمائیے. میری آنکھوں میں ابھی تک ہے محبت کا غرور, میرے ہونٹوں کو ابھی تک ہے صداقت کا غرور, میرے ماتھے پہ ابھی تک ہے شرافت کا غرور, ایسے وہموں سے ذرا خود کو نکالوں تو چلو. سو اجازت دیجیے, اب میں چلوں. بہت بہت شکریہ آپ کی انسانیت نوازی کا. مجھے ساگر خیامی کا ایک قطع یاد آ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اس وقت ہمارے ہاں دیش میں طرح طرح کی بحثیں ہوا کرتی ہیں, مذہب کی اور دھرم کی اور طرح طرح کی, اور سب آدمی اپنے آپ کو صحیح کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو یہ سوچتے ہیں کہ بیکنٹھ جائیں گے, مسلم یہ سوچتے ہیں کہ فردوس پائیں گے, عیسائیوں کو ناز کہ عیسیٰ بچائیں گے, میرا خیال ہے سبھی سیٹی بجائیں گے. ہندو یہ سوچتے ہیں کہ بیکنٹھ جائیں گے, مسلم یہ سوچتے ہیں کہ فردوس پائیں گے, عیسائیوں کو ناز کہ عیسیٰ بچائیں گے, میرا خیال ہے سبھی سیٹی بجائیں گے. اور یہ کہ ہندو ہی جائے گا نہ مسلمان جائے گا, جنت میں گر گیا تو وہ انسان جائے گا. میں اب آپ کے سامنے اپنی محترم آپا حمیدہ آپا, میں ان کو آواز دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ, اور واقعی وہ ڈیزرو کرتی ہیں, مستحق کرتی ہیں کہ یہ شعر انہیں کے لیے کہا جائے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. میری مراد حمیدہ آپا سے ہے, وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنیں. بہت بہت شکریہ. دو چھوٹی چھوٹی نظمیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. پہلی نظم کا عنوان ہے علم, ہے نا, نالج جسے آپ کہتے ہیں. خواجہ دل محمد کی نظم ہے. جی, سعادت سیادت عبادت ہے علم, سعادت سیادت عبادت ہے علم, حکومت ہے دولت ہے طاقت ہے علم. یہ پوچھو کسی مرد مختار سے قلم تیز چلتا ہے تلوار سے, یہ پوچھو کسی مرد مختار سے قلم تیز چلتا ہے تلوار سے, اور نہ پھولوں کی سیجوں پہ آتا ہے علم. یہ بچے سب خوب جانتے ہیں نا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے.
نہ پھولوں کی سیجوں پہ آتا ہے علم نہ ورثے میں انسان پاتا ہے علم سو دلوں میں بھرو علم کا مال و زر دلوں میں بھرو علم کا مال و زر نہ قاروں کا خطرہ نہ چوروں کا ڈر اور یہ آخری شعر بہت ہی خوبصورت ہے کہ جو سیکھو کسی کو سکھاتے چلو جو سیکھو کسی کو سکھاتے چلو دیے سے دیے کو یہ دوسری نظم میری بہت ہی پسندیدہ نظم ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ شاعر نے قلم سے ایک مصور کے ایک کلاکار کے برش کا کام کیا ہے اور ایسا منظر ہمارے سامنے کھینچ لیا ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ ہاں جو یہ کہہ رہا ہے لفظوں میں اس کی تصویر آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے یہ مجھے بہت ہی پسند ہے یہ نظم اور یہ ہے اسرار الحق مجاز کی نظم اس کا عنوان ہے ننی پجاری ایک ننی منی سی پجارن پتلی گردن پتلی باہیں بھور بھئے مندر آئی ہے آئی نہیں ہے مال آئی ہے ایک ننی منی سی پجارن پتلی باہیں پتلی گردن بھور بھئے مندر آئی ہے آئی نہیں ہے مال آئی ہے وقت سے پہلے جاگ اٹھی ہے نیند ابھی آنکھوں میں بھری ہے ٹھوری تک لٹ آئی ہوئی ہے آنکھوں میں تاروں کی چمک ہے آنکھوں میں تاروں کی چمک ہے مکھڑے پہ چاندی کی جھلک ہے کیسی سندر ہے کیا کہیے ننی سی ایک سیتا کہیے آنکھوں میں تاروں کی چمک ہے مکھڑے پہ چاندی کی جھلک ہے کیسی سندر ہے کیا کہیے ننی سی ایک سیتا کہیے دھوپ چڑھے تارا چمکا ہے پتھر پر ایک پھول کھلا ہے دھوپ چڑھے تارا چمکا ہے پتھر پر ایک پھول کھلا ہے چاند کا ٹکڑا پھول کی ڈالی کمسن سیدھی بھولی بھالی ہاتھ میں کان میں چاندی کی بالی ہے نا کان میں چاندی کی بالی ہے ہاتھ میں پیتل کی تھالی ہے من میں لیکن دھیان نہیں ہے پوجا کا کچھ گیان نہیں کان میں چاندی کی بالی ہے ہاتھ میں پیتل کی تھالی ہے من میں لیکن دھیان نہیں ہے پوجا کا کچھ گیان نہیں ہے مندر کی چھت دیکھ رہی ہے ماں بڑھ کر چٹکی لیتی ہے چپکے چپکے ہنس دیتی ہے ہنسنا رونا اس کا مذہب اس کو پوجا سے کیا مطلب کان میں چاندی کی بالی ہے ہاتھ میں پیتل کی تھالی ہے من میں لیکن دھیان نہیں ہے پوجا کا کچھ گیان نہیں ہے مندر کی چھت دیکھ رہی ہے ماں بڑھ کر چٹکی لیتی ہے چپکے چپکے ہنس دیتی ہے ہنسنا رونا اس کا مذہب اس کو پوجا سے کیا مطلب خود تو آئی ہے مندر میں من اس کا ہے گڑیا گھر میں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میم تھینک یو ڈاکٹر احسن سو اس کے ساتھ ہی ہم اس شاندار شام کے سماپن پر ہیں پورے آئی آئی ٹی گاندھی نگر پریوار کی اور سے میں آپ سبھی کا تہے دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور اس اوسر کو اور اس کی شوبھا بڑھائی میں وشیش روپ سے اپنے وششٹ اتھیتھیوں کا دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس اوسر کی شوبھا بڑھائی میں راہل اپادھیائے اس کاریہ کرم کا سنچالک آپ کو دھنیواد دیتا ہوں Thank you so much.